हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अभी जो तीन रूपों में हम आहार ले रहे हैं, उसमें 24 घंटे में सबसे ज्यादा आहार कौन सा ले रहे हैं? भोजन कितनी बार करते हैं 24 घंटे में? 2 बार, 3 बार। पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार कितनी बार लेते हैं? 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा, लेकिन गैस रूप आहार वायु कितनी बार लेते हैं? अभी तक किसी ने गिना ही नहीं है। 24 घंटे खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, यहां तक कि रात को सो जाते हैं तब भी हर एक सेकेंड कोई श्वास ले रहे हैं, कोई आहार ले रहे हैं। तो क्या ले रहे हैं? गैस रूप आहार लेते हैं, नहीं लेते हैं? 24 घंटे में हमारे द्वारा लिए जाने वाला सबसे ज्यादा आहार कोई होता है तो क्या होता है? वायु। और ज्यादा के साथ साथ इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण आहार। हम रोटी दाल चावल आदि ठोस रूप आहार लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं, लेकिन गैस रूप आहार वायु छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना 2 मिनट भी हमारा जीवन संभव नहीं है, वो कोई हमारा आहार है तो क्या है? और हमारे लिए ही नहीं, चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत सबके लिए सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार होता है वायु। और उस वायु का शोधन करना, पोषण करना, संवर्धन करना, मेडिकेटेड बनाना, सुगंधित करना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का काम इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र से होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें प्रतिदिन देव यज्ञ करने के लिए कहा कि हम प्रतिदिन कुछ विशेष आहुतियां देकर के देव पूजन भी करें और हमारा सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार है उसका निर्माण भी करें। आज हम बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, लेकिन इस वायु के ऊपर किसका ध्यान है? बहुत सारे लोग शिकायतें करते हैं, हमने कभी कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया, कभी बाजार का खाना नहीं खाया, कभी तंबाकू नहीं खाया, कभी शराब नहीं पिया, हमें कैंसर हो गया। अरे हम 24 घंटे जिस श्वास के माध्यम से आहार ले रहे हैं वो तो देखिए कितना जहरीला है। तो ये हवन हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट आहार होता है उसका शोधन करता है। अब देखिए, हम जब ट्रीटमेंट करते हैं, चिकित्सा करते हैं, तो क्या करते हैं? उसमें जो बीमारी है उस बीमारी को ठीक करने वाले मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स जिस टेबलेट के अंदर भारी मात्रा में है उसको हम देते हैं। सूजन है, दर्द है, तो क्या देते हैं डॉक्टर? एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां देते हैं। इन्फेक्शन आदि हो तो एंटी माइक्रोबाइल दवाइयां दे देते हैं। ऐसे अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग दवाइयां देते हैं। और ये हवन करते हैं तो उसके अंदर वो मल्टीपल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एक साथ हमें प्राप्त होते, पूरे पैकेज में प्राप्त होते, और 24 घंटे उस वायु में हम श्वास लेते हैं। तो मेडिकेटेड एयर जब हमारे भीतर जाती है तो श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाती है, और हमने देखा बड़े बड़े दुसाध्य असाध्य रोग भी जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं। देखे, और आयुर्वेद में भी यज्ञ को देवी चिकित्सा कहा। क्या कहा? 3 प्रकार की चिकित्सा, एक देव व्यापासी चिकित्सा, युक्ति व्यापासी चिकित्सा और सत्वावधि चिकित्सा। यज्ञ को देव व्यापासी चिकित्सा कहा और कहा, यया प्रयुक्ता चेष्टया राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजित। जब रोग की स्थिति बिगड़ चुकी है, बढ़ चुकी है, अन्य अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों से भी अब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, स्थिति बिगड़ चुकी है, तब आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते। और अथर्ववेद में विशेष रूप से बताया,
यदीक्षितायुर्यदि वा परितो यदिर्मृत्योरन्तिकं नीतैव तमाहरामि अस्पार्श्वमेनं सत्सारदाय। यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, उनकी धातु क्षीण हो चुकी है और अब अंतिम क्षण में उनका जीवन चल रहा है, अब कोई जीने की कोई आशा नहीं है, तमाहरामि अस्पार्श्वमेनं सत्सारदाय, उसको भी मैं उसे बाहर लाता हूं और सत्सारदाय 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं। अथर्ववेद में यज्ञ के बारे में चिकित्सा के विषय में बताया और उसी के आधार पर जब हमने रिसर्च किए, आज तक हम जो खाने के रूप में दवाइयां लेते हैं ना उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, जलाने के ऊपर कोई रिसर्च नहीं है दुनिया में। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमने पहली बार दुनिया में अग्नि में कौन सा द्रव्य, कौन सी जड़ी बूटी जलाने पर क्या बनता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे लाभ होता है, उसके ऊपर एविडेंस के साथ स्टडी पूर्वक आज 11 प्रकार की रोगानुसार जड़ी बूटी आज ये दुनिया में पहली बार हुआ कि गैस फॉर्म में उस मेडिसिनल कंपोनेंट्स को लेकर के हम अपना ट्रीटमेंट कर सकते, अपनी चिकित्सा कर सकते। और उसके बाद कितने कितने सारे लोगों ने इस यज्ञ को अपनाया, लोगों ने कैंसर, पैरालिसिस, पार्किंसन, मिर्गी, स्ट्रेस, तनाव, लंग फाइब्रोसिस, यूट्रेस में फाइब्रोइड से लेकर के अस्थमा दमा से लेकर के अनेक अनेक प्रकार के अलग अलग भयंकर और दुस्साध्य असाध्य कोटे में जिनको मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहते हैं कि अब इसका कोई उपचार नहीं हो सकता है, जब छुट्टी दे देते हैं, ऐसे लोगों को भी कहा कोई नहीं आप अपने घर में यज्ञ कीजिए। और उन लोगों ने यज्ञ किया और नव जीवन लोगों ने पाया है यज्ञ चिकित्सा से, जो आयुर्वेद में और वेद में बताया हमने अपनी आंखों के सामने साकार होते हुए देखा है, लोगों के जीवन में हमने देखा है, जीवंत रूप में धरती पर हमने देखा है। तो ये जो यज्ञ होता है वो एक चिकित्सा पद्धति होती है। क्या होता है? ये एक चिकित्सा पद्धति है, बड़े बड़े रोगों को भी ठीक करते हैं इसे। और उसके साथ साथ देखिए बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन, वायु प्रदूषण आदि से मुक्ति के साथ साथ बीमारियों से भी ये मुक्ति देता है। और उसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण मैंने बात बताई, ऋण आवेशित कणों को वायुमंडल के अंदर बढ़ा देते हैं, जंगल जैसा वायुमंडल का निर्माण हो जाता है जहां पे प्रतिनिधि छोटा सा यज्ञ करते हैं। कितनी बड़ी बात। और इतना ही नहीं, इसके साथ ये जितने भी हम भौतिक लाभ देते हैं, मुख्यतया यज्ञ भौतिक लाभों के लिए नहीं होता है, ये साइड बेनिफिट है सारे के सारे। यज्ञ प्रधानतया देव ऋण से उऋण होने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? जैसे माता पिता हमें पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, हम माता पिता के ऋणी होते हैं, नहीं होते हैं? माता पिता के ऋणी हो जाते हैं। ऐसी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ये सब हमें दे रहे हैं, उससे हमारा जीवन चल रहा है, तो हम भी उन देवताओं के ऋणी हुए नहीं हुए? वो दे रहे हैं इसलिए देवता हैं, हम ले रहे हैं, तो हम उन देवताओं के क्या हो गए? ऋणी। इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? और इस देव ऋण से उऋण होने के लिए देव यज्ञ किया जाता है। कौन सा यज्ञ किया जाता है? देव यज्ञ। और प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में, सुबह में प्रजापति और सूर्य के लिए और सायंकाल अग्नि और प्रजापति के लिए विशेष अग्नि में आहुति देकर के पूजन किया जाता है। ये हमारी मूल वेदों की परंपरा है पूजा पाठ की। आज हम क्या करते हैं? अग्निर्वय देवानाम मुखम का, अग्नि जो है वो देवताओं का मुख है और उसमें आहुतियां देकर के हमें पूजन करना होता है, देव ऋण से उऋण होता है। आज हम कैसे करते हैं? बहुत अच्छे अच्छे मिठाइयां, लड्डू सब बनाएंगे, भगवान के सामने रखेंगे और फिर कौन खा जाता है? कौन खा जाता है? खुद बांट के खा जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा? यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यंते सर्व किल्विषे भुंजते तो त्वगम पापा ये पचन्ति आत्मकांड। जो ऐसा करते हैं भुंजते तो त्वगम पापा, वो पापी है, पाप का भोग कर रहा है, अन्न का नहीं कर रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने तृतीय अध्याय में कहा भुंजते तो त्वगम पापा ये पचन्ति आत्मकांड, जो बिना अग्नि में आहुति दिए जो अन्न को ग्रहण करता है वो पाप का भागी होता है, वो पापी होता है। ऐसे बताए कठोर शब्दों में। तो ये वास्तविक पूजन क्या है? अग्नि में आहुति देकर। आपने भी अपने घर में देखा होगा, अपने दादा दादी लोग चावल भात पके हुए भात में थोड़ा गुड़ मिला करके, गाय का घी आदि मिला करके अग्नि में आहुति दिया कर, देखा है किसी ने? ये वास्तविक पूजन है। तो पूजन भी करना है तो भगवान को दिखा करके खुद बांट के नहीं खाएंगे, पहले वास्तव में भगवान को खिलाना है तो अग्निर्वय देवानाम मुखम,
मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में आहुति देते हो, सभी देवी देवताओं को पहुंच जाता है, हम देव ऋणी से उऋण होते हैं। और उसके साथ साथ जितने भी हमने लाभ देखा ना, रोग ठीक होना, वायु प्रदूषण, बैक्टीरिया, वो सब साइड बेनिफिट है उसके, सारे साथ साथ में लाभ मिल जाते हैं वो सारे, तो वास्तविक पूजन है। और उसके साथ साथ ये पंचभूतात्मक पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक इस ब्रह्मांड पर्यंत में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने की भी सबसे बड़ी विद्या है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि कहा, यह यज्ञ संपूर्ण चराचर भूमंडल ब्रह्मांड की नाभि है। जैसे माता के गर्भ में शिशु होता है तो उसका नाभि के माध्यम से पोषण और संवर्धन होता है, ऐसे ही इन पंच तत्वों का पोषण और संवर्धन यज्ञ रूपी नाभि से होता है। वसुः पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धाम्ना द्रिहस्व माहवार्मते यज्ञपति महर्षित कहा कि इस यज्ञ में वसुः पवित्र, यह यज्ञ पवित्रता का शुद्धि का हेतु है। वसुः पवित्रमसि द्योरसि, यह द्युलोक में स्थित होने वाला, द्युलोक को संतुलित करने वाला है। पृथ्वीरसि, पृथ्वीलोक को संतुलित करने वाला है, पृथ्वीलोक को पोषित करने वाला है। मातरिस्वानो धर्मोसि, मातृस्वान कहते हैं वायु को, वायु के अंदर स्थित होने वाला, वायु का पोषण और संवर्धन करने वाला है। मातृस्वानों धर्मों से परमेण धामना द्रिहस्वा, जिस जिस स्थानों पर यज्ञ होता है वो स्थान परम धाम बन जाते हैं। परमेण धामना द्रिहस्वा माँ वार्माते यज्ञपति भाषित है, मनुष्य तो इस यज्ञ का त्याग कभी भी मत कर। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान तपश्चैव, यज्ञ करना, दान करना और तप करना, ये तीन कार्यों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले का करना। तो ये यज्ञ जो हवन है, अग्निहोत्र है, वो पंचभूतात्मक पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य और संतुलन को कायम करने की सबसे बड़ी विधा और विद्या है। और ये प्रकृति यदि संतुलित रही, पंच तत्व यदि संतुलित रहा, तो हमारा तन भी संतुलित रहेगा, इसमें कोई उपद्रव रोग रूपी नहीं होंगे। और इस प्रकृति के अंदर भी संतुलन रहेगा तो कोई उत्पात, कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, अधिक ठंड, अलग अलग उत्पात होते वो भी। और वही पंच तत्व यदि असंतुलित हो गए तो इस पिंड में भी उपद्रव हो गए रोग रूपी, और इस ब्रह्मांड में भी उपद्रव हो गए, कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी कुछ, कभी कुछ। इसलिए यह यज्ञ पंचभूतात्मक पिंड और ब्रह्मांड का स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने वाला। हम सबको इस यज्ञ को जरूर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इतना सा करने पर इतने सारे लाभ, और इसके साथ साथ और भी लाभ है। यज्ञ करने पर मनोकामना की पूर्ति होती है, सब जगह पर शास्त्र में कहा इष्ट कामदुख, इच्छित कामना को पूर्ण करने वाला, सर्व कामदुख, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, सत्याः संतु यजमानस्य काम, जो यजमान यज्ञ करके और यज्ञाग्नि में प्रार्थना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती। मनोकामना की पूर्ति का भी केंद्र बिंदु कोई है तो वो भी यज्ञ है हमारी संस्कृति का। और इसी प्रकार से पुण्यों को देने वाला भी ये होता है। हम जिस जीवन को जी रहे हैं ना, ये जीवन किस आधार पे हमें मिलता है? हमारे पूर्व जन्मों में कृत कर्माशय, पाप और पुण्य रूपी जो कर्माशय हमने कमाया था, उसके आधार पे वर्तमान जीवन मिलता है। जाति, आयु और भोग, योग दर्शन आपने पढ़ा होगा, तो उसमें कितनी चीजें मिलती है हमें? जाति, आयु और भोग, अपने पूर्व कर्माशय। क्या जाति मानी? मनुष्य, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे। क्या जाति? हमें मनुष्य मिल गई। जाति के बाद आयु, अब आयु कितनी मिलनी है उस मनुष्य जीवन में? कोई बाल्यावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त होता है, कोई युवावस्था, किशोरावस्था तक जीते, कोई चीरकाल जीते हैं। उसके बाद हमें आयु भी मिल गई। उसके बाद क्या मिलता है? भोग। भोग मानी इस मनुष्य जीवन में आने के बाद सुख सुविधा, माता पिता, खानदान, यशस्वी कैसा है, सामान्य है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, धन संपत्ति संपदा आदि कैसा है, क्या है, उन्नति की परिस्थितियां कैसे मिलनी, ये सारा कुछ हम देखते हैं ना। एक व्यक्ति को देखे रात दिन मेहनत करता है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है, और एक व्यक्ति को देखे तो कुछ सामान्य रूप से काम करता है, हंसता खेलता हुआ, घूमता फिरता हुआ, और अरबों खरबों के मालिक होते हैं। इसके पीछे क्या कारण होते हैं? अपने पुण्य। इसी प्रकार एक व्यक्ति को देखते तो बीमार हो जाए, मरणासन अवस्था में होते, कोई दवाई का भी पूछने वाला नहीं होता, पानी का पूछने वाला नहीं होता, और एक व्यक्ति को छींक भी आ जाए पीछे 10 डॉक्टर खड़े होते हैं। क्यों मिलता है ऐसा? हमारे कर्माशय, हमारे पुण्य कर्माशय। मनुष्य जीवन का केंद्र बिंदु होते हैं पुण्य कर्माशय। जितना ज्यादा अच्छे पुण्य होता है इतना ही सुंदर हमारा जीवन होता है। और मनुष्य जीवन में आकर के अथाह पुण्य को प्राप्त करने का, पुण्यों की कृषि को है, तो यज्ञ अनंत अथाह पुण्य देता है, जन्म जन्मांतर को सुधार देता है। ये पुण्य को देकर के इतनी बड़ी मात्रा में पुण्य मिलता है, मनोकामना की पूर्ति होती है, प्रकृति का पालन पोषण संवर्धन होता है, बैक्टीरिया वायरस फंगस से हमारा बचाव होता है, रेडिएशन से बचाव होता है,
वायु प्रदूषण से हमारा बचाव होता है, देवीय पूजन होता है, देव ऋण से हम उऋण हो जाते हैं। कितने सारे लाभ, आप ही बताइए। कोई ऐसा कर्म जो 10 मिनट कर ले और इससे इतने लाभ हो, है कोई मनुष्य जीवन में ऐसा कर्म? इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म। मनुष्य के द्वारा धरती पर जितने भी कर्म किए जाते हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ और उत्तम कोई कर्म होता है तो यज्ञ कर्म होता है। क्या कर्म होता है? यज्ञ। इसलिए इस यज्ञ को हमें अवश्य अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और इतना छोटा सा यज्ञ करते तो इतने सारे लाभ होते हैं। तो आप लोग करेंगे 5-10 मिनट लगती है, 10 मिनट लगाएंगे नहीं लगाएंगे? कितने लोग करेंगे? सब करेंगे? हाँ, एक बार आपके लिए जोरदार ताली। हाँ, ऐसे 10 मिनट कर लिया, 10 मिनट में इतने सारे लाभ मिल जाते हैं, रोगों की निवृत्ति से लेकर के कितने सारे लाभ। तो ये हमारे जीवन में हमारे संस्कारों का उदय में भी बहुत बड़ा रोल उठाता है। हम अपने बच्चों को कराए, बच्चों को साथ में इसमें जोड़े, ये हमारे मूल के साथ जोड़ेंगे, हमारी संस्कृति के साथ जोड़ेंगे। संस्कृति हमारे समाज की जड़ होती है। क्या होती है? संस्कृति समाज की जड़ होती है। जैसे पेड़ की जड़, पेड़ अपनी जड़ को छोड़ दे तो उस पेड़ की क्या हालत होती है? सूख जाएगा, समूल नष्ट हो जाएगा, अपने अस्तित्व को खो बैठेगा। ऐसे ही जब मानव समाज अपनी मूल को, अपने जड़ को, अपनी संस्कृति को छोड़ देता है तो ऐसे ही नष्ट हो जाता है। आज हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, इसीलिए वायु प्रदूषण से लेकर ना जाने कितने कितने चीजों को हम भुगत रहे हैं। आज 70 लाख से अधिक लोग वायु प्रदूषण के कारण, 2.25 करोड़ बैक्टीरिया वायरस फंगस के कारण मर जा रहे हैं। कहां हम पहुंच चुके? संस्कृति के साथ जोड़ने। तो हम अपने बच्चों को विशेष रूप से संस्कृति के साथ जोड़े, मूल के साथ जोड़े। और ऐसा कोई नहीं, बहुत सारे लोगों के मन में आता है ये तो पंडितों का विषय है, पुजारियों का विषय है, ब्राह्मणों का विषय है, ये व्यक्ति विशेष, ये कोई संप्रदाय विशेष नहीं है। यज्ञ एक सार्वभौमिक वैज्ञानिक पंथ निरपेक्ष कर्म है, एक वैज्ञानिक कर्म है। इसको ये आहुति दो तो ये बनता है, उसका ये इफेक्ट होता है, ये पूरा एक वैज्ञानिक कर्म है। और इस यज्ञ को यदि हम करते हैं तो इसके अथाह और अनंत लाभ होता है। और सबको करना चाहिए, कोई मत पंथ संप्रदाय, हम सब समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते ही नहीं लेते हैं। चाहे कोई भी जाति मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी देश में रहने वाला हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति का प्रयोग लेते हैं। एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में सांस लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही सूर्य से रोशनी लेते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे हम बसते हैं। हम समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं और इस प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करने का कोई कार्य है तो यज्ञ हवन अग्निहोत्र उस प्रकृति को पोषित करने का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए आज हम संकल्प लेकर के जाएं कि हम अपने जीवन में प्रतिदिन प्रातः काल भोर में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में 10-11 आहुति गायत्री मंत्र या देव यज्ञ की आहुति देकर के जरूर यज्ञ को करें और अपनी पूरी पीढ़ियों को संस्कृति के साथ, अपनी मूल जड़ के साथ जोड़े और उसके साथ साथ ये साइंटिफिक वैज्ञानिक सारे लाभों को भी हम उठाएं और एक सुंदर जीवन और एक सुंदर जगत का हम निर्माण कर सकते हैं। और आप सभी लोगों से आशा और अपेक्षा करता हूँ कि पहला हम अपने जीवन में 10 मिनट का हवन जरूर अपनाएं, जरूर स्थान दें। और हमारे साथी, अपने बंधु, अपने साथ रहने वाले, हमारे संपर्क में आने वाले लोगों को भी ये 10-15 बातें शेयर करें, उनको भी इस 10 मिनट की प्रोसेस सिखा दें और वो भी अपने घर में बचा इतना अपना लेंगे तो हम उस पूरे परिवार को रोगों से, दोषों से, दुखों से भी उसको भी पार कर सकते हैं और ये सारे लाभों को वो भी उठा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सब अपने अपने घर में यदि इतना छोटा सा यज्ञ करेंगे तो ये प्रकृति का पोषण में हमारी सबसे बड़ी आहुति होगी। आज प्रकृति माँ को अत्यंत जरूरी आवश्यकता है, अनिवार्यता है। तो ये कार्य को हम संपन्न करेंगे तो हम स्वयं भी करें और वो भी करने के लिए प्रेरित करें। ओ द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओ
जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तं यस्य रोगस्य भेषजं तस्य रोगस्य शान्त्यर्थं तेन तेनैव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। चीजें जो छोटी छोटी हैं वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब आइए हम सब लोग मिल करके इस यज्ञ को संपन्न करते हैं और उसके लिए अत्यंत आवश्यक कुछ और भी नियम होते हैं, यदि साथ में आपको बताएं देता हूँ। जिस स्थान पे हम यज्ञ करने बैठते हैं वह स्थान कौन सा हो, कई लोग घर के बाहर जाके यज्ञ करें, दैनिक यज्ञ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र हमें अपने घर के अंदर करना होता है, तभी हमें विशेष उसका लाभ होगा। घर की वायु शुद्ध, पवित्र, सुगंधित, रेडिएशन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से सबसे मुक्ति और आरोग्यकारक वायु प्राप्त होती है और उससे हमारा हित विशेष रूप से सदता है। तो हमें अपने घर के अंदर यज्ञ करना होता है, ना कि घर के बाहर जा करके। दूसरा, जब हम यज्ञ करते हैं तो उस समय झाड़ू पोछा लगा करके उस स्थान को विशेष रूप से पवित्र, शुद्ध और व्यवस्थित कर लेते हैं। उसके बाद जब हम यज्ञ करने के लिए बैठते हैं, हमें भी स्वयं को स्नान आदि क्रियाएं करने के बाद, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की क्रियाएं करने के बाद ही हमें यज्ञ करना चाहिए। और जो वस्त्र हम पहनते हैं वो वस्त्र भी सुव्यवस्थित हो, सही हो, भारतीय परिधान हो, थोड़े से खुले वस्त्र हों और धुले साफ सुथरे थोड़े वस्त्र हों। इसी प्रकार से शरीर भी स्नान आदि करके शुद्ध किया हुआ हो। इसी प्रकार से हमारी जो भाव है, हमारे जो विचार है, वो भी शुभ हो, पवित्र हो, संपूर्ण विश्व की मंगल कामना के साथ युक्त हो। इस प्रकार से कुछ कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना, और जो पात्रों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो पात्र भी धुले हो, साफ सुथरे हो, ना कि आज हमने किया और ऐसे ही रख दिया और कल लेकर के वैसे ही बैठ गए, तो उसको भी हम थोड़ा साफ सुथरा रखें, धो करके रखें। और उसके बाद यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है, मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है। चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।